brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक व्यक्ति अपनी पार्टी को ज्वाइन कराता है और कहता है मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा अगर पूर्णिया हमको नहीं दिया गया। एक पार्टी के नस नस में अराजकता है, तानाशाही है, और जब वो मजबूत होता है तो बिहार भयाक्रांत हो जाता है। जब वो मजबूत होता है तो एलायंस पार्टी के जो लोग हैं वो दुबले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। किसी जमाने में यानी कि 90 के दशक में जानी दुश्मन रहे पप्पू यादव और आनंद मोहन अब जिगरी दोस्त बन चुके हैं। बता दें कि ऐसी परिस्थिति में जब पूर्णिया से पप्पू यादव का आरजेडी ने टिकट काट दिया है, तब आनंद मोहन तड़प उठे हैं और ये खबर मिलते ही देखिए कैसे आनंद मोहन का दर्द छलका है। ये कैसा महागठबंधन है जहां अभी फैसला हुआ नहीं और एक पार्टी अपने उम्मीदवार को सिंबल बांट रही, दूसरे लोग टकटकी लगाए निहार रहे कि हमारा क्या होगा। हताशा है, निराशा है। एक व्यक्ति अपनी पार्टी को ज्वाइन कराता है और कहता मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा अगर पूर्णिया हमको नहीं दिया गया। ये सब बातें, ये हर एक पार्टी के अपने वसूल होते हैं, हर एक पार्टी के अपने सामाजिक समीकरण होते हैं, हर एक पार्टी की अपनी संस्कृति होती है, हर एक पार्टी का अपना संस्कार होता है। एक पार्टी के नस नस में अराजकता है, तानाशाही है, और जब वो मजबूत होता है तो बिहार भयाक्रांत हो जाता है। जब वो मजबूत होता है तो एलायंस पार्टी के जो लोग हैं वो दुबले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वाम दल इसके उदाहरण है, कांग्रेस इसके उदाहरण है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वाम दलों को और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी स्थिति इसके पहले कि इस प्रदेश में लालू जी का प्रादुर्भाव हुआ था राजनीति में, हमारी हैसियत क्या थी और आज उनकी स्थिति क्या है, उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और जितना जल्द हो पिंड छुड़ा लेना चाहिए समाप्त होने के बाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से पप्पू के साथ हुई तथा कथित नाइंसाफी पर आनंद मोहन आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी के नस नस में तानाशाही और अराजकता है। आज बेशक पप्पू यादव और आनंद मोहन के रिश्ते मधुर हैं, दोनों एक दूसरे का गाहे बगाहे सपोर्ट करते रहते हैं और एक दूसरे के व्यक्तिगत फैमिली कार्यक्रम में भी पहुंचते हैं, गले मिलने वाला तस्वीर भी वायरल होता है। लेकिन जब ये तस्वीर कोई बिहार से जुड़ा व्यक्ति देखता है तो उसको 1980-90 का वो दौर याद आ जाता है जब ये दोनों बाहुबली नेता एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे। बता दें कि 1990 के दशक में बिहार जातीय राजनीति से जकड़ा हुआ था और उस वक्त अग्रा और पिछड़ों के बीच में तनाव की परिस्थिति थी। उस दौरान जहां यादवों की तरफ से पप्पू यादव एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, वहीं राजपूतों की तरफ से आनंद मोहन का उभार एक बड़े नेता के तौर पर हो रहा था। और ऐसे में आ जाता है 1991 का लोकसभा चुनाव जहां आनंद मोहन चुनावी मैदान में उतरते हैं और आनंद मोहन को चुनौती देने के लिए सामने आते हैं शरद यादव। शरद यादव के चुनाव का पूरा कार्यक्रम संभाल लेते हैं पप्पू यादव और उस दौरान स्थिति ऐसी बनती है कि ये दोनों एक दूसरे के काफिले पर हमला भी करवाते हैं। आगे चलकर बिहार की सियासत में हमने देखा कि दोनों नेता जेल में लंबा अरसा गुजारते हैं, फिर परिस्थिति बस दोनों बाहर भी निकलते हैं और फिर धीरे धीरे अपने बिगड़े रिश्तों को दोनों सुधारते हैं। और आज देखिए इनका रिश्ता इतना सुधर चुका है कि दोनों को एक दूसरे के चोट लगने पर तकलीफ होती है। पूर्णिया से जो पप्पू यादव के साथ हुआ, जो आरजेडी ने पप्पू यादव के साथ किया, उसके बाद देखा आपने कि किस तरीके से तड़पते नजर आए आनंद मोहन। देखना होगा कि आगे चलकर पूर्णिया से पप्पू यादव फैसला क्या करते हैं। बिहार की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।